How are you? I'm fine. You? You're also fine. Okay. Today we are going to learn of subject English. Topic is sound of letters D. क्या है टॉपिक? Sound of letter D. इसके पहले sound of letter A हो गया हमारा. Then sound of letter B भी हो गया. And third sound of letter C भी हो गया. और आज का last का है sound of letters D. पूरा चैप्टर का नाम था साउंड ऑफ लेटर्स ए से डी तक, लेकिन हमने क्या करे, इतने टॉपिक आपको एक दिन में तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने एक एक पेज में एक एक दिन में आपको वो समझा के दिया. अभी क्या करेंगे, अभी लास्ट का है साउंड ऑफ लेटर्स डी. ओके, चलो देखो क्या दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पे. क्या दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे? ये है डी. क्या है ये डी? आपको पता है, आपको तो एबीसीडी आते हैं, सभी आपके 26 अल्फाबेट्स हो गए हैं ना. हाँ, तो आपको क्या करना है अभी, ये देखो, ये है डी. बड़ा है ना, देखो इतना बड़ा है, तो ये क्या है? कैपिटल डी. क्या है ये? कैपिटल डी. कैपिटल यानी बड़ा. और ये क्या है? छोटा सा है ना, छोटा है ना, तो ये है स्मॉल डी. ये है कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी. कैपिटल यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, पता है आपको. ओके, तो ये है डी. अभी देखेंगे, मैंने यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे कुछ पिक्चर निकाले हैं और इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, फिर इसका स्पेलिंग पढ़ेंगे हम और आपको मैं आगे का बताऊंगी. ठीक है, पहले देखो क्या है ये, क्या दिख रहा है आपको? ये देखो पानी है, और पानी में क्या है बता बता, क्या है ये? ये है डक, जिसको आप बतख बोलते हो ना. हाँ, तो वो है डक. इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डक बोलते हैं. डी यू सी के डक, डी यू सी के, डी यू सी के डक. ये हो गया डी से डक. देखो यहां पे देखो क्या है ये, क्या है ये बताओ बताओ, आपके घर में है ना, मेरे भी घर में है. बताओ क्या है ये है जिसको आप दरवाजा बोलते हो ना. हाँ, तो वो है दरवाजा, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर. क्या बोलते हैं इसको? डोर. डी
देन डी से क्या आता है डॉग, डी फॉर डॉग. एंड डी से क्या आता है डॉग, डॉल यानी गुड़िया, डी फॉर डॉग. ये देखो ये हो गए डी से जितने भी आते हैं वर्ड्स, वो हमने सभी इसके स्पेलिंग लिखे हैं और क्या किया है हमने इसको समझाने के लिए हमने अंडरलाइन भी करके रखा है. देखो अभी डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉर, डी फॉर डॉर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल. कितने सारे वर्ड्स है डी से, डी से डॉग, डी से डॉर, डी से डॉग, डी से डॉल. ये हो गए हमारे सभी डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स. आया समझ में? हाँ, आपको सिर्फ पढ़ना है. अरे ये क्या करना है, इसके स्पेलिंग बस याद रखनी है, लिखना नहीं आया तो भी चलेगा. ओके देखो मैच डी विथ द करेक्ट पिक्चर एंड ट्रेस डी विथ ए क्रेयॉन्स. अभी आपके आपका जो लेसन है ना ए से डी तक साउंड ऑफ लेटर्स, उसमें से सबसे लास्ट वाला देखो पेज नंबर 8. देखा आपने पेज नंबर 8? हाँ देखो ये ऊपर का हमने अभी पढ़ लिया है, अभी नीचे का देखेंगे. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना. हाँ आप अपना पेंसिल लेना अपने पास और क्रेयॉन्स लेना. देखो मैच डी विथ द करेक्ट पिक्चर. अभी आपको यहाँ पे डी दिख रहा है, दिखा डी? हाँ मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, आपके पास तो बंदूक है ना, तो देखो उसमें डी दिखा. हाँ तो इसमें क्या करना है, पहले हमें डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स ढूंढना है ना. डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स ढूंढेंगे, बाद में हम क्या करेंगे मैच करेंगे. मैच करने यानी जुड़िया लगाना, वो तो आपको आता ही है. चलो देखो पहले स्पेलिंग पढ़ेंगे. क्या है ये, गोट है क्या? हाँ ये गोट है. गोट का स्पेलिंग क्या है, जी ओ ए टी, जी ओ ए टी गोट. ये क्या है, जी ओ ए टी गोट. और ये क्या है, डी आर यू यम ड्रम, डी आर यू यम ड्रम. ड्रम का कैसे बजता है ऐसे ना. हाँ ये क्या है, ड्रम है बजाने का. और ये क्या है, गोट है. अभी देखो ये है डी, ये क्या है, ये तो मुझे स्मॉल जी दिख रही है ना, ये स्मॉल जी है. और ये क्या है, डी है. हमें जी चाहिए क्या? नहीं हमें जी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए है ना. तो ये गोट तो हमारे काम की है ही नहीं. देखो इधर देखेंगे, ये देखो दिख रहा है डी, डी आर यू यम ड्रम, डी आर यू यम ड्रम. हमें तो डी से ड्रम चाहिए है ना, तो हमें डी से ड्रम मिल गया, तो अभी क्या करेंगे उसको जोड़िया लगाएंगे. चलो मैच करो, आप मेरे साथ कर लो, थोड़ा सा ही है ना, कर लो कर लो. ये देखो डी से मैंने ड्रम को जोड़ी लगा दी है, आप भी लगा लो, लगाई जोड़ी. हाँ ये देखो डी से हमने ड्रम को जोड़ी लगा ली है. ओके अभी आगे का देखेंगे. ट्रेस डी विथ ए क्रेयॉन्स. अभी क्या करना है, आपके पास है ना कलर पेंसिल वगैरह, क्रेयॉन्स वगैरह है ना, वो निकालो, उसमें से कोई भी कलर निकालो आपकी फेवरेट का. और देखो यहाँ पे डी दिख रही है, ये है कैपिटल डी और ये है स्मॉल डी. ये जो डी दिख रही है उसको क्या करना है आपको, कलर करना है. सिंपल है ना, इन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, कलर करना है. करो, मैं कर रही हूँ, आप भी करो मेरे साथ. पेज नंबर 8 पता है ना आपको? हाँ चलो करो. देखो यहाँ पे मैंने कलर किया है कैपिटल डी को, अभी स्मॉल डी को कलर करेंगे. क्या कलर, मेरा तो हो गया, आपका हो गया? हाँ देखो मैंने मैच भी किया और डी को क्या किया, कलर भी किया, हो गया? आपका हो गया क्या? मेरा तो हो गया, जल्दी हो गया, आपका हो गया? ओके अच्छी बात है. चलो देखो अभी डी से स्टार्ट होने वाले कितने सारे वर्ड्स हैं वो फिर से देखेंगे. डी फॉर ड, डी यू सी के ड,
D for door, D double O R, door. D for dog, D O G, dog. D for doll, D O double L, doll. Then ये चार होने के बाद फिर देखो यहाँ पे हमें नीला मिला है, ये क्या है? D for drum, D for drum, D R U M, drum. मिल गए हमें कितने सारे वर्ड्स मिले ना D से स्टार्ट होने वाले. अभी आप C for cat बोलेंगे क्या? नहीं, C for car भी बोल सकते हो. वैसे ही यहाँ पे D for door ही बोलोगे क्या? नहीं, D for door बोलोगे, D for drum भी बोल सकते हो, D for dog भी बोल सकते हो, D for doll भी बोल सकते हो और D for drum भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. आया समझ में? ओके, थैंक यू.